आपको दिखाते हैं इस वक्त अतीक अहमद कहां तक पहुंचा। अतीक की जो गाड़ी चल रही है साबरमती से प्रयागराज के रूट पर, अतीक का काफिला दौड़ रहा है। आज तक का कैमरा, आज तक के रिपोर्टर लगातार अतीक अहमद के काफिले को फॉलो कर रहे हैं, उसके काफिले के पीछे पीछे चल रहे हैं। अहमदाबाद की साबरमती जेल से यूपी पुलिस की वैन अतीक को तकरीबन 3 बजे दोपहर में लेकर निकली। शाम 5:30 बजे के करीब अतीक के काफिले की एक गाड़ी खराब हो गई। अतीक को डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में रोका जाता है। वहां करीब 2.25 घंटे तक अतीक रहता है। बिछीवाड़ा थाने से अतीक का काफिला 7:45 पर फिर से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ और इस समय अतीक की लोकेशन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीचों बीच है। अतीक का काफिला चित्तौड़गढ़ से होते हुए कोटा पहुंचेगा, फिर शिवपुरी, झांसी और चित्रकूट होते हुए कल शाम करीब 5 बजे प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है। हमारी संवाददाता गोपी ढांगर इस समय उस काफिले के साथ चल रही हैं। गोपी, 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर, दूसरी बार यह सफर अतीक अहमद कर रहा है और एक बार फिर जो आपने सवाल पूछा उससे, मन में डर वही है उसको कि अभी भी कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए, उसे मार ना डाला जाए। बिल्कुल, देखिए श्वेता, उनको अतीक अहमद को आज भी यही डर है कि कहीं उसका एनकाउंटर न हो जाए। 1275 किलोमीटर का ये पूरा सफर है और मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगी कि आपको ये दृश्य दिखाया, आप देख सकते हैं ये पूरा जो कॉन्वे है ये इसी तरीके से जा रहा है। अगर पिछली बार के हिसाब से इस बार के कॉन्वे को देखने जाए तो सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा इसे चौकन्ना कर दिया गया है। यहाँ तक कि पूरा जो कॉन्वे है यूपी पुलिस उसे यूपी हेडक्वार्टर में बैठे हुए इसको ट्रैक कर रही है। जो उस बॉडी वॉर्न कैमरा है उसका एक जो कंट्रोल रूम है वो यूपी हेडक्वार्टर में बना हुआ है और लगातार उसे यूपी पुलिस के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो दरवाजा बनाया गया है वो दरवाजा भी बायोमेट्रिक है, जब अगर जो अधिकारियों की फिंगरप्रिंट्स उसमें होगी उनके फिंगरप्रिंट से ही वो दरवाजा खुलेगा, वरना वो दरवाजा नहीं खुलेगा। तो सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा इस बार इंतजाम जो है वो यहाँ पे यूपी पुलिस के जरिए किए गए, लेकिन अतीक के जहन में अब भी डर बरकरार है। लगातार अतीक को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, जितनी भी बातचीत आज हमारी अतीक के साथ हुई है, अतीक ने जैसे ही साबरमती सेंट्रल जेल से निकला तो सीधा कह दिया कि ये हत्या की साजिश की जा रही है। जब बिछीवाड़ा पे अतीक रुका तो उसने कह दिया कि महिलाएं और बच्चों के साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पूरा डर है वो यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही श्वेता, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा जो काफिला है, इस वक्त हम उदयपुर को क्रॉस कर चुके हैं, अब चित्तौड़गढ़ की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। तो माना यही जा रहा है कि कल शाम 5 बजे तक, क्योंकि आज हम 3 बजे निकले थे और जिस जगह पर, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई बिछीवाड़ा के पास, 2 घंटे का लंबा सफर है गोपी, वो सारी तस्वीरें दिखा रही है और बता रही है कैसे इस बार बड़ा हाईटेक इंतजाम किया गया है, लेकिन फिर भी डर अतीक अहमद को बहुत लग रहा है।